अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। आज रोज़े ख़त्म हो गए हैं, लेकिन दिल बड़ा ख़राब हुआ रोज़े ख़त्म होने से, क्योंकि रोज़े मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। इसकी रौनक ही अलग होती है और आप सबको भी बहुत पसंद होंगे। खैर, अब ईद की तैयारी आपको पता शुरू हुई भी थी और चांद रात है। और ये देखें, ये कार्ड वगैरह पैसे देने के लिए निकाल लिया, ईदियाँ देने के लिए, और कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिए। फिर हम गए रोज़े से पहले पहले करसे शीरी, और इतना रश था कि, और गर्मी इंतहा की लग रही थी। खैर, वहाँ से करसे शीरी से मिठाई ली, कचौरियाँ ली, घर आए, फिर रोज़े की तैयारी, और फिर ईद की चटनी वगैरह पीसना, अदरक लहसुन पीसना, ये सारे काम पूरे किए। अब रोज़े के बाद मेरी बहन आ गई मेहंदी लगवाने के लिए, बांजी, और फिर रौनक लग गई घर में, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर सब बच्चियों के घर में मेहंदी लगी, और मैंने फिर ये बनाई क्रीम फ्रूट चाट, जो मोहम्मद टेस्ट कर रहे हैं कि कैसी बनी है। ये खाते कुछ भी नहीं है, ये अब्बा जाने हमारे घर के छोटे, ये खाएंगे कुछ नहीं, बस ये राय देंगे कैसा बना है। इसके बाद एक दो चम्मच लेंगे और बात ख़त्म, या एक दो निवाले खाने वाली चीज़ होगी उसके लेंगे, बात ख़त्म। ये हमारी बुलबुल है प्यारी सी। और इसके बाद मैंने बनाया शीर खोरमा, और ये था कि ठंडा हो जाए बस, लेकिन गैस ने बहुत तंग किया। दरअसल ना, आपको पता है कि आजकल वैसे भी गैस आ रही है, लेकिन रात को खसूसी चांद रात के लिए गैस गई थी, तो बड़ी तको दो से ये बन गया, रेडी हो गया। इसके बाद मैंने बनाया कचरी कीमा, और सफाइयाँ शुरू हुई, चांदनी वगैरह जो बेडशीट होती है सब करना। मेरा बड़ा दिल कर रहा था, ये कपड़ा बचा था, मैंने कहा नहीं, मैं छोटा सा एक गौ तकिया सी लेती हूँ, ये साइड पे लगाऊंगी। तो बस इसी तरह ही टाइम गुजर गया। नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे ईद के। बस सारे काम पूरे करने थे, मेहंदी वगैरह लगनी थी, तो लिहाजा इसी तरह चांद रात गुजर रही है और सुबह होने वाली है। और नए वीडियो नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, ईद का स्पेशल व्लॉग आएगा, देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।